सब्ज़ गुंबद का जलवा देख लेंगे। क्या है? सब्ज़ गुंबद का जलवा देख लेंगे, सब्ज़ गुंबद का जलवा। कि जिसकी सुरीली आवाज सुनकर रूह वजद में आ जाए और आंखें बरसने पर मजबूर हो जाए, और जिसके कलाम को सुनकर बदन के रोंगटे खड़े हो जाए, तो लीजिए हमारा इंतजार इश्तियाक लम्हा वसल से हम आगोश होने जा रहा है। जिसके लिए मैं रौनक स्टेज बनाता हूँ, नौ उम्र शायर जनाब अदनान प्रतापगढ़ी साहब को इशार के साथ। तेरी खुशबू को तरसती है हमारी गलियां, तेरी खुशबू को तरसती है हमारी गलियां, आ इधर को भी कभी अपने खरामा की तरह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सुफियान प्रतापगढ़ी का छोटा भाई अदनान प्रतापगढ़ी। पहली बार माकरोल में मेरी हाजिरी हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से आप सब लोगों ने मुझे जरूर सुना होगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मदरसा दारुल हिजाज यतामा को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मैं यहाँ से नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, अगर कहीं गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ करना। आइए बिना किसी तमहीद के मैं नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। कलम उठाऊं तो गुजारिश करता हूँ, अगर बच्चे की नात आपको अच्छी लग रही है तो इसकी हौसला अफजाई के लिए जब मिसरा खत्म हो तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। फिर से नात पढ़िए। कलम उठाओ तो कलम दुआ हुजूर जो बंजर जमी पे फरमा दे, दुआ हुजूर जो बंजर जमी पे फरमा दे, दुआ हुजूर जो बंजर जमी पे फरमा दे, जमी को चीर के आगे से लेकर के पीछे तक सब लोग सुभान अल्लाह एक मतलब जोर से बोलिएगा, सुभान अल्लाह। जमी को चीर के, जमी को चीर के पौधा नबी चीर के, दुआ हुजूर जो बंजर जमीन पे फरमा दे, दुआ हुजूर जो बंजर जमीन पे फरमा दे, जमीन को चीर के।
सुभान अल्लाह फकत हुजूर के फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको फकत हुजूर हर जुल्म और सितम सह गए सुलगती रेत पर चाचा भी ओहद के मैदान में अमीर हमजा अमीर हमजा चाचा भी ओहद के मैदान में अमीर हमजा चाचा भी ओहद के मैदान में लुटा के अप एक बार मचल कर पूरा मन में बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह आप कहेंगे लगेगा आप बेदार हैं, ऐसा लगे नंदन लगना चाहिए कि आप सो गए हैं। एक बार फिर से बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये अदनान फिर से पढ़ो शेर को आप। Oh,